हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। आज हम हमारे टॉप मोस्ट योगा के पार्ट 4 में आ रहे हैं। आप में से कई लोग बोर भी हो गए होंगे, आप में से कई लोगों को ये ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, मतलब गीता में और क्या क्या लिखा है समझ नहीं रहा है। तो जैसे मैंने एक थीम लाइन बताया था, तो ये थीम लाइन से ज़्यादा ये प्रैक्टिकल लाइन है, मतलब एप्लीकेशन लाइन है। जीवन में अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें तो क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए पहले अध्याय में भी कहा, दूसरे में भी कहा, तीसरे में भी कहा, पांचवें में भी कहा, आठवें में कहा, दसवें में कहा, 18वें में भी वही कहा। तो सवाल आता है, क्रिया बदलने के लिए कहीं कहा ही नहीं है, तो बदलने के लिए क्या कहा है? बदलने के लिए चेतना को कहा है। आप किस चेतना से उसको कर रहे हैं, व्हाट इज योर कॉन्शियसनेस व्हेन यू डू इट, उसका रिजल्ट आपको आता है। आपकी बाह्य क्रिया क्या है उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है, इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। तो कई बार आप ये हमारे भक्त भी होते हैं, एक भक्त थे वो 20 साल से सेवा कर रहे थे, और 20 साल बाद उन्होंने मुझे फोन किया, पूछा प्रभु जी ये तीसरे अध्याय में भी वही सारे ऐसा लग रहा है कि वही बोल रहे हैं भगवान, फिर पांचवें में भी वही बोल रहे हैं। तो एक्चुअली तीसरे में अलग है, पांचवें में अलग है। तीसरे में भगवान कर्म प्रधान कार्य की बात कर रहे हैं और ज्ञान को पीछे रखा है, लेकिन पांचवें में ज्ञान प्रधान है, कर्म पीछे है। तो ये हल्का जो भेद है, ये कई बार जो वाचक हैं जो गीता पढ़ते हैं या जो सुनते भी हैं, तो कई बार सुनते सुनते वो अपने मूड से ही सुनने लगते हैं, है ना। तो ये भेद समझाने के लिए ही मैंने ये सब जो 6 हमारे लैडर हैं, इस लैडर के 6 स्टेप्स को मैं अलग अलग करके समझा रहा हूँ। वैसे व्यक्ति जीवन में अचानक से मन इतना चंचल है कि अचानक से वो कर्मकांडी बन जाता है, अचानक से सकामी बन जाता है, अचानक से उसको सब फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, बोलता है ध्यान करना है बस प्रभु, नाउ आई नीड टू मेडिटेट। फिर अचानक से बोलता है प्रभु जी मेडिटेशन बेकार है, आपका डांसिंग कीर्तन ही ठीक है ना। तो व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये भेद इसलिए रखा है, क्योंकि जब आप अगर ये भेदों को समझें, थोड़ा समझने में कठिन हो सकता है, लेकिन मैं जितना तोड़ के उसको साधारण रूप से समझा सकूँ मैं समझा रहा हूँ। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे ज्ञान योग। तो ज्ञान योग क्या है? ज्ञानी और ज्ञान योगी, ये दोनों में पहले थोड़ा सा भेद बताता हूं। ज्ञानी वो होता है जो बहुत सारा इंफॉर्मेशन रखता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन। आप किसी भी गांव में जाइए ना, आपको एक ज्ञानी व्यक्ति मिलेगा ही मिलेगा, वो महात्मा को सब मालूम है। हाँ, हमारे मेरे पाँव में कुछ इंजरी हो गया था, तो हम एक डॉक्टर के पास गए थे, एक आयुर्वेदिक व्यक्ति के पास गए थे। तो उन्होंने जो जड़ी बूटी से बनाने का वचन दिया था पर नहीं बना पाए। तो इधर हमारे गांव में ही एक व्यक्ति ने कल पूरा जंगल खोजा और वो जड़ी बूटी लाया और उसको प्रॉपर उसका दवाई बना के दिया। तो बाद में उनको भी याद आया कि उनको भी देना है, तो उन्होंने भी ला के दिया। बाद में दोनों ने देखा तो दोनों ने वही दवाई बनाया था, वही जड़ी बूटी का बनाया था। तो मैंने इनको बोला कि आप तो मेरे गांव से हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? बोले नहीं, आपको पता नहीं था इसलिए मैं कुछ बोला नहीं। तो तब मुझे पता चला कि हर गांव में एक ज्ञानी व्यक्ति है, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे फिलॉसफी में हो, चाहे हर जगह आपको विद्वान मिलेंगे। एक्चुअली इन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण वो नहीं है जो सिर्फ केवल धागा पहन ले, ब्राह्मण वो है जो सत्य को जानता है। तो ऐसे ज्ञानी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज्ञान योगी कौन है? जो भगवान से ज्ञान के माध्यम से जुड़ता है उसे ज्ञान योगी कहते हैं। फर्क समझ रहा है? ज्ञान होना एक चीज है, लेकिन ज्ञान का माध्यम बनाना भगवान के पास, भगवान को जुड़ने के लिए, उसको ज्ञान योगी कहते हैं। तो दोनों में भी फर्क समझ लीजिए। अब हम ज्ञानी की बात नहीं करने वाले, हम ज्ञान योगी की बात करने वाले हैं। ज्ञान योगी कौन होते हैं, उनका गुण क्या होता है, कैसे समझा जाए, ये हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो ज्ञान योगी जो है, तो जैसे मैंने आपको कल बताया कि इनका फिलॉसफी क्या होता है, इनका तत्व होता है कि आप जो ज्ञान है उसको बढ़ाइए और क्रिया को मिनिमम करिए। अगर आप देखेंगे तो पहले जो 3 मार्गी थे, कर्मकांडी, सकाम कर्मी, निष्काम कर्मी, इन सब में क्रिया और कर्म प्रधान था,
और क्रिया या कर्म ये मेजरली इंद्रियों के स्तर पे होता है। आप बात समझ रहे हैं, इंद्रियां जरूरी हैं और इंद्रियों को तो बेसिकली उसमें सत्वगुण तो होता ही है, परंतु कहीं ना कहीं रजोगुण और तमोगुण का भी प्रभाव होता है जीव के ऊपर। तो ये क्रिया में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा जो स्पेशली पढ़ाई में डब्बू होते हैं, ज्यादा पढ़ाई स्कूल में पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, इनका मेजर इंटरेस्ट होता है खेलने में, मूवीज देखने में, डांस करने में, खाने में, मम्मी ने बना दिया बस उनका उधर ही ध्यान रहता है। उनको हमेशा घर वाले बोलते हैं अरे पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, वो इंटेलिजेंस ज्ञान बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन जो पढ़ाकू बच्चा होता है ना, वो देखेगा हमेशा मतलब थॉट्स में ही रहता है कि वो कैसे होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, वो एक्चुअली इंटेलिजेंस लेवल पे रहता है। तो उसको कह सकते हैं ज्ञान, इसी को भगवान से जोड़ दीजिए तो क्या ज्ञान योगी। पहले वाले को जोड़ दीजिए कि वो कर्म डाल दो, सकाम कर्मी निष्काम कर्मी और कर्मकांडी हो गया, क्योंकि उसका बाहर मटीरियल मैनिफेस्टेशन से ही उसका, ये जो भौतिक पदार्थ है इन पदार्थों से खेलने में उसका ज्यादा रुचि होता है। लेकिन जैसे जैसे वो झटके लेता है, मैंने आपको इनकम्प्लीटनेस बताया कि निष्काम कर्मी जो भी है वो भी इतना करने के बाद सारा अहेतुकी प्रेम, मतलब दुनिया में बिना किसी मतलब इच्छा के कि मेरे को कुछ मिलेगा, उसने सब कर दिया, सारे क्रिया कर दिए, लेकिन फिर भी उसे हमेशा लगता है कि मैं अतृप्त हूं, क्योंकि उसकी ज्ञान जो है, बुद्धि जो है, वो भी ज्ञान से भरी नहीं है। उसका जो ग्लास है, देखिए ये अगर आप ऐसे समझिए, ये आत्मा का ग्लास है, मैं इस एनालॉजी से समझा रहा हूं, ठीक है, ये आत्मा का ग्लास है। हाँ, अभी आपको थोड़ा एक टेक्निकल पार्ट समझाता हूं। ये बुद्धि का ग्लास है, इसमें अहंकार नहीं जोड़ूंगा, अहंकार एक्चुअली अभी आत्मा में ही रख देते हैं। ये मन का ग्लास है, ग्लास यानी कैपेसिटी। अब मैं ग्लास दर्शा रहा हूं यानी कैपेसिटी, किसी का ग्लास बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, ये प्रारब्ध से आपका मैनिफेस्ट होता है। और ये इंद्रिय हैं। अच्छा था दवाई प्रभु जी, एक मिनट आइए, आप कैमरे में आपको दिखा देते आइए। आपको मैं जस्ट बोला कि दवाई बनाने के लिए हमारे प्रभु जी आए थे, ये देखिए, ये हमारे गांव के प्रधान जी के पिताजी हैं। प्रभु जी आपका उम्र 80 कितना है? 90 हो गया। 90 है प्रभु जी, 90 साल के हैं। और ये देखिए हट्टे कट्टे हैं, है ना, और इनकी तरह आप मेहनत भी नहीं कर पाइएगा। प्रभु जी पूरा 10 किलोमीटर कल जंगल छान के वो दवाई जड़ी बूटी ले आए, और मुझे इतना वो फील हो रहा था कि मैं तो ऐसे ही जस्ट बोला था, उन्होंने ले आया। तो हम लोग बहुत बहुत आभारी है प्रभु जी। कुछ ये हमारे दर्शक है वहाँ ऑनलाइन है, दिखेंगे नहीं अभी आपको यहाँ पे, तो ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, मैं लगा देता भाई, ठीक है ना, ठीक, मैं मिलता हूँ, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हाँ, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो वो देखने आए थे कि दवाई, तो ये 90 साल के हैं, देख सकते हैं आप, यू नो, बट परफेक्ट पर्सन। तो आत्मा का ग्लास है, बुद्धि का ग्लास है, मन का ग्लास है, और इंद्रिय या शरीर कह सकते हैं फिलहाल, तो हमारा शरीर का कैपेसिटी है। तो कर्मकांडी जो होता है, कर्मकांड वाला व्यक्ति जो कर्मकांड से कार्य करता है, ठीक है, वो कर्मकांड जो है वो अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए या उसके मन में दूसरों को देख के जो पाने की इच्छा आने लगती है वो प्राप्त करने के लिए वेदों का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन वो मिलता भी है तो यहीं तक, थोड़ी देर के लिए मन और बुद्धि हाँ 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 मिल गया, लेकिन ज्यादा करके वो इंद्रियों के ही अनुभव लेने में लगा हुआ होता है, तो वो अतृप्त ही रहता है। फिर उसके बाद सकाम जो कर्मी है, सकाम कर्म योग करने वाले जो लोग हैं, जो सकाम में कार्य करने वाले जो लोग हैं, वो भी शरीर के साथ उनको फल की आशा होती है, तो फल मिलता है तो थोड़ा सा मन खुश होता है, फल नहीं मिलता है तो मन उद्विग्न होने लगता है, दुखी होने लगता है। तो यहां पे ये जो सकामी है ये भी अंत में यहां, ये इसका बस इधर से थोड़ा थोड़ा ये भरता है, इधर थोड़ा थोड़ा, इधर भी पूरा नहीं भरता है। लेकिन निष्कामी जो है, जो निष्काम कर्मयोग में लगे हैं, तो इनका क्या होता है, निष्काम का ये जो डिग्निटी वाला पार्ट है तो थोड़ा उसका लेवल यहां आता है, वो ये भी भरना चालू कर देता है मन को,
क्योंकि उसे समझता है कि ये ज्यादा वैल्यूएबल है। तो निष्कामी जो है उसका इंद्रिय ये जरूरत ही नहीं रहती, मल्टीप्लाई बाय जीरो हो जाता है, वो फल की आशा ही नहीं करता है, वो जानता है ये खट्टा है, यहां जो भी आप प्राप्त कर भी लेंगे शरीर के लिए, जैसे कोई स्त्री है, मुझे सोना चाहिए सोना चाहिए सोना चाहिए, चलिए सोना आ गया फिर क्या। कई बार हमारे ब्रह्मचारी भी मंदिर में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद जब पहली बार इसे सैफ्रॉन क्लॉथ दिया जाता है एकदम खुश, उनको ऐसा लगता है कि मैं शुद्ध भक्त हो गया हूं, वो ऐसा पहन के घूमते हैं जैसे कि आज ही मतलब वो संन्यास ले लिए, पूरा दुनिया को जीत गए। और 10 दिन बाद पता चलता है कि अभी भी इंद्रिय वही तकलीफ दे रहे जो पहले दे रहे थे, तो वो अंदर आना भूल जाते हैं, वो बाह्य में ही रह जाते हैं। तो ये हर प्रकार के जो लोग हैं, तो धीरे धीरे निष्काम करने पर मन की स्थिरता पे तो आ जाता है, ये इंद्रिय की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो ज्ञान मार्गी है, ज्ञान योगी है, वो और भी अंदर आता है, उसकी यहां की रुचि बढ़ने लगती है, और जब तक उसका ये ज्ञान भरेगा नहीं तब तक वो खोज करते रहेगा, वो सारे तत्वों के भेदों को जानने का प्रयास करेगा। इसका एक्टिविटी क्या है, तत्व है कि ज्ञान लीजिए, इसका तत्व है कि ज्ञान लीजिए, लेते रहिए, और एक्टिविटी क्या है, कार्य क्या है इसका, क्रिया क्या है, भेद को समझिए और जीवन में लगाइए, भेद को समझिए। कौन से भेद, तो भगवान है, जीव है, प्रकृति है, इनके भेदों को समझिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या मेरे लिए है क्या मेरे लिए नहीं है। तो कई बार नैति का मार्ग ये लोग अपनाते हैं, नैति यानी न इति, नैति नैति नैति, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो निर्विभुर्व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वो ज्ञान से समझ जाते हैं कि न मैं पंचवायु न वा सप्त न, वो कह रहे कि न मैं पंचकोश हूं, न मैं सप्तवायु हूं, न मैं पंचवायु हूं, न मैं सप्त धातु हूं, मैं ये नहीं हूं, न मैं किसी का बाप हूं, न मैं किसी का मां हूं, ये सब जान जाते हैं ज्ञान से, क्योंकि संसार में देखते हैं, अनुभव लेते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो उनको ज्ञान दृष्टि से उतना ही दिखाई देता है, बात समझिए। और ज्ञान से वो केवल इतना समझ सकते हैं कि ये मैं नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जो सजा रहा हूं वो मैं नहीं हूं। तो ये ज्ञान तो हो गया, परंतु अभी बुद्धि को बढ़ाना है, तो ये बुद्धि से वो और विकसित करते करते नैति का मार्ग अपनाते हैं, और करते करते उन्हें मैं आत्मा हूं इस चीज का अनुभव जरूर हो जाता है। एक याद रखिएगा, ध्यान योगी जो कल आने वाला है ना, वो इसके एक लेवल आगे भी जाने वाला है, परमात्मा भी जान जाएगा वो, फिर भी अतृप्तता बचेगी, क्या बचेगी तो कल देखेंगे, पर आज हम यहां ज्ञान में समझते हैं, नहीं तो हमारा समय कम होगा। तो ज्ञान व्यक्ति जो है वो बुद्धि तक अपने आप को एडवांस कर लेता है, तो शरीर उसको विरक्त हो गया, इसलिए आप देखिएगा ज्ञानी प्राय ज्यादा खाने पीने में, मतलब प्रॉपर्टी बटोरने में, ये सब में ज्यादा, आप देखें ना जितने भी ब्राह्मण समाज में लोग होते हैं वो तृप्त होते हैं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा लक्षण है कि वो तृप्त है, जितना उसे मिल गया वो भगवान का आशीर्वाद समझ के तृप्त हो जाता है, उसको कभी कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें चेतन महाप्रभु का एक बहुत सुंदर स्टोरी है, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा, फिर भी एक बता देता हूं। एक बार चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित थे, जब वो व्याकरण शास्त्री थे, व्याकरण पढ़ाते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक जगह था वहां पे, उन्होंने वहां पे सब व्याकरण शास्त्री आने वाले थे, तो ये भी गए, अपना एक उन्होंने व्याकरण पे किताब लिखा था। इनका एक मित्र था जो व्याकरण का किताब लिखता था, उसी की वजह से उसका मतलब दाना पानी चलता था। तो जब निमाई पंडित ने सारा व्याकरण बता दिया, तो उनके व्याकरण के सामने सबका व्याकरण जीरो हो गया था, मल्टीप्लाई बाय जीरो, कोई वैल्यू नहीं। तो आते वक्त सब
गुणगान कर रहे थे, अरे निमाय तुम्ही तो पंडित, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। ये दोस्त थोड़ा चुप बैठा था, तो उन्होंने बोला क्या हुआ तुम इतना नाराज हो? बोलते अरे अब तुमने जो इतना लिख दिया है तो मेरा किताब तो कोई खरीदेगा नहीं, तो मेरा जो भी था वो तो, अरे ऐसा निमाय देखो ऐसे बोला ऐसा, तो उन्होंने इमीडिएटली वो फेंक दिया नदी गंगा जी में, बोट से आ रहे थे गंगा जी में फेंक दिया। बोलते अगर मेरे वजह से ऐसा हो रहा है तो मैं ये फेंक रहा तो ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा हाई लेवल चीज है, लेकिन एक ब्राह्मण जो होता है वो संतुष्ट होता है। तो ये अब हम समझेंगे ये लेवल क्यों है। तो ज्ञानी जो है ना, मैं इस लेवल पे मेरे पिताजी को बहुत बार देखा हूँ, निष्काम कर्मयोग और ज्ञान वाले मार्ग में पिताजी हमारे एकदम, मतलब ऐसा रहेगा ना जैसे हमारे बचपन से हम लोग देते थे किताब पे किताब 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 किताब, इतना कोई भी किताब मिलता था पढ़ते थे, उसको मेडिटेट करते थे, हंसते रहते थे, खुद ही उनको बहुत आनंद आता था। हम लोग पूछते थे आपको ऐसा क्या समझा कि आप खुश हैं, तो बहुत कुछ बताते थे, तो उससे मुझे वैराग्य लेने में और मदद हुआ। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि तुम तो पढ़ते रह गए लेकिन वो बेटा निकल गया है ना। तो ये निष्काम जो है इधर से सॉरी निष्काम सकाम कर्मकांड, जो कर्म क्रिया वाला शरीर का पार्ट है वो छोड़ के धीरे 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 व्यक्ति जो है वो बौद्धिक स्थिति में आ जाता है, और इधर से वो भगवान को अपने आप को जोड़ता है, क्योंकि यहां वो ईश्वर के बारे में जैसे नैति से आत्मा के बारे में जान जाता है, वैसे शास्त्रों के द्वारा, शास्त्र पठन के द्वारा वह भगवान को भी जान जाता है, ईश्वर तत्व को। मैं भगवान नहीं लिखूंगा यहां, ईश्वर तत्व लिखूंगा, ईश्वर तत्व के नजदीक आ जाता है। ईश्वर, ईश्वर यानी कंट्रोलर, तो भगवान कंट्रोलर है हमारे, तो उस तत्व को भी वो बहुत अच्छे से समझ जाता है। तो ये हो गया एक्टिविटी, ये जो भेद है, भेद समझने का काम ये करते हैं। इनका एक ही काम होता है, ये शाश्वत है क्या? नहीं, ये अशाश्वत है। शाश्वत अशाश्वत, सत्य असत्य, इसलिए आपको वैदिक मंत्रों में ये सब जो ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं वो एक मंत्र बहुत ज्यादा बोलते हैं, सब बोलते हैं, वैसे वैष्णव भी बोलते हैं लेकिन उनमें ज्यादा होता है। वो कहते हैं असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति ही शांति ही शांति ही, शांति करो, ये बहुत चिल्ला चिल्ली हो रहा है बाहर। भक्त लोग शांति जानते नहीं बोलते, भक्त लोग बोलते आनंद आनंद लो, आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। भक्त तो आनंद की बात करता है, क्यों? इसका एक कारण है। अगर हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मैथमेटिक्स में जो लोग हैं तो सब जानते हैं, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो क्या होता है, अगर आप दुख को यहां रखते हैं और आप अगर दुखी हैं तो आपके लिए ये जीरो पॉइंट पहुंचना भी पॉजिटिव हो गया। तो ये ज्ञानी लोग यहां से बड़े परेशान होते हैं, तो बोलते छोड़ो, त्यागात शांति अनंतरम, भगवान इसलिए गीता में कहते त्यागात शांति अनंतरम, इसलिए पांचवें अध्याय में भगवान ज्ञान मिश्र कर्म क्या बात करते हैं, वो कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो यज्ञ वगैरह तुमने किया है भोक्तारम, उसका असली भोक्ता मैं हूं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का मैं महेश्वर हूं, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कि तब तुमको शांति मिलेगी जब तुम ये समझ जाओगे कि इन सब का जो भोक्ता है वो तुम नहीं, तुम अपने आप को भोक्ता समझोगे तो दुखी हो जाओगे, जब तुम समझोगे इनका भोक्ता मैं हूं तब तुम असली शांति को प्राप्त करोगे। तो वो होता क्या है, ये ज्ञानी जो है वो शून्य स्थिति में जाते हैं और इनको ये पॉजिटिव में आने का भी डर रहता है। आप बोलेंगे प्रभु तो ये आगे और क्यों नहीं आते, ये आगे आएंगे, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, धीरे धीरे जब उसको समझेगा कि वासुदेव मीठा है, यहां पॉजिटिव अनुभव लेने लगेगा भक्ति का, ध्यान भी आगे आता है, ध्यान भी इधर आगे ही आता है, जो अनुभव लेने लगेगा ना तो वो फिर थोड़ा धीरे 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 वो एक जन्म दो जन्म बाद भगवान उसका निष्ठा बढ़ा के उसको वहां डाल देते हैं। तो ये अनुभव देने के लिए वैष्णवों को, भक्तों को हमेशा प्रचार करते रहना चाहिए। लोग बोलते हैं अरे आप इसको उन्होंने बहुत खुश रहते हैं, जब देखो सब हंसते रहते हैं, आनंद में रहते हैं, प्रसाद खाते हैं। कल बलराम जयंती था, बिलीव नहीं करिएगा, क्योंकि हम लोग अभी लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिक के क्राइसिस में है फिलहाल, गौशाला भी बनाना है, तो जो भी है, तो हमने बोला बलराम जयंती है कल, लेकिन तो हमने कुक को बोला कि भैया 12 बजे बस एक गुलाब जामुन बना लेना, बाकी नॉर्मल प्रसाद बना लेना।
तो ये हमने सोचा, लेकिन देखिए भगवान की, देखिए ये भक्ति का कितना पावर है। शाम में दोपहर के समय एक बाछी का जन्म हुआ और वो बाछी एक व्यक्ति ने दिया था, वो बाछी ने, वो जो उसका गाय है वो बाछी एक व्यक्ति ने दिया था, उनका बाछी हुआ, उसका नाम हमने कल रेवती रखा, क्योंकि बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती है, तो हमने वही नाम वो बाछी को दे दिया। वही परिवार कभी नहीं, तो पूरा परिवार शाम में आ गया, बोलते हम लोग प्रभु जी फीस्ट बनाएंगे, हम बोले बनाइए। वही परिवार, उन्होंने वो बाछी दिया ये भी उनको मालूम नहीं था, उन्होंने ये गाय दिया था उनको नहीं मालूम है, हमने बताया कि गाय आपने ही दिया था, पहला गाय हमारे गौशाला का उन्होंने ही दिया। शाम में फीस्ट भी हो गया, झूलन यात्रा का कल आखिरी दिन था, झूलन भी झुलाया गया, कीर्तन हुआ, डांस हुआ, फेस्टिवल हुआ, सब हो गया, और मतलब अनएक्सपेक्टेडली सब हो गया। तो ये जो स्वीटनेस है वो यहां अनुभव करने मिलता है, यहां तक आदमी अकेला होता है, ज्ञान में भी ना अकेला है, सिंगल प्लेयर है। तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अन्य जीवों के साथ उसका संबंध नहीं आ रहा, वो ईश्वर के बारे में जानता है, लेकिन वो जीव जो है ना, अन्य जीव यानी बाकी जीव, इनसे अपने आप को नहीं जोड़ पाता। तो अन्य जीव का जो, इसको बोलते हैं सिनर्जी, एनर्जी यानी आपकी अपनी शक्ति, सिनर्जी यानी जब दो लोग मिलते हैं तो पर्सनल एनर्जी बढ़ता है। आप किसी व्हाट्सएप पे बात करते हैं या फेसबुक पे टाइप करते हैं, मैसेंजर में टाइप करते हैं ना, तो फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ खाली बचा है, फोन करके बोल लेते हैं, अरे कैसे हो, अरे भैया आप अच्छे हो, नो दा, हा 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 हा, उससे बाद जो मिल लेते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो जितना आप जीव से भी जुड़ेंगे तो आपको ईश्वर से जुड़ने का और ताकत बढ़ेगा। इसलिए वैष्णवगण संग में रहते हैं, सत्संगे गुणा दोषा, संग में रहिएगा तो सम्यक रूपेण कीर्तन संकीर्तन, तब आपको एनर्जी आएगा। आप समझ रहे हैं, जैसे अभी आप लोग कुछ लोग लाइव सुन रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूं लेकिन मैं जानता हूं, तो मेरे को थोड़ा बोलने में एनर्जी है, पता चला पीछे कोई नहीं तो मैं अपना ऐसे ही खड़ा रहूंगा। जैसे अभी प्रधान जी के पिताजी आए थे लेकिन वो आपसे बोल नहीं पाए क्योंकि जानते नहीं किससे बात करने हैं, तो पीछे दीवार है। तो ये जीव जो है, तो ये जो ज्ञान मार्गी होते हैं ये इधर से दूर रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम है उनका। ठीक है, ये कंसेप्ट समझिए, इसलिए उनको यहां खाली खाली लगने का चांस है, लेकिन वो इन लोगों से बहुत आगे हैं। और इनके कार्य में भी क्या रहता है, साधना जो होती है इनकी, ये साधना में ये अपने इंद्रियों को बहुत वश में करने में लगे रहते हैं। उनको मालूम है इंद्रिय जितना छोड़ोगे उतना तकलीफ देगा, तो इंद्रियों को वश में करने के ज्यादा प्रयास में रहते हैं, उपास करना और ज्यादा किसी से बात नहीं करना, क्योंकि खट्टे अनुभव हैं। तो ये अनुभव यहां भी लगाते हैं कि ऐसे ज्यादा आध्यात्मिक बात करेंगे तो भी दिक्कत हो सकता है, तो बात नहीं करना, ये इनका साधना ज्यादा रहता है। अगर ये जप भी करते हैं, जैसे मैंने कल बताया निष्काम वाले भी नाम जपने का बात करते हैं, लेकिन उनका काम, उनकी ये इच्छा ज्यादा रहती है शरीर की, लेकिन नाम लेते रहते हैं ताकि वो भी होना चाहिए, होना चाहिए, मन की शांति की बात करते हैं। वैसे ही ये ज्ञानी भी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप भक्तियुक्ति करिए ना, वो थोड़ा अपने इंद्रियों को चाहिए, तो वो भक्ति के जो अंग हैं उनको वो माध्यम समझते हैं। अब भक्ति में क्या शक्ति है वो तो मैं आपको परसों बताऊंगा, लेकिन वो उसको समझ ही नहीं पाते, तो वो ज्ञान प्रधान हो जाते हैं, अब भक्ति टिंज रहता है। भक्ति समझते हो, क्योंकि ज्ञान मार्ग में भक्ति भी समझ में आएगा ना, दिखेगा ना, भक्त दिखेंगे, उनका भी एनालिसिस होगा। जब बनारस से वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले वृंदावन जा रहे थे, तो वाराणसी होके जा रहे थे, तो उधर प्रकाशानंद सरस्वती नाम के बहुत बड़े विद्वान थे, मायावादी थे, उन्होंने, प्रकाशानंद सरस्वती के 60,000 शिष्य थे और वो सब ज्ञानी थे, वेदांत सूत्र पठन ओम ये वो सारे पद को पढ़ते थे। उन्होंने देखा कि अरे ये तो भारतीय संप्रदाय से चैतन्य जो है श्री कृष्ण चैतन्य, ये सन्यासी तो है लेकिन नाचते रहता है, कीर्तन करते रहता है, हरे कृष्णा कीर्तन करते रहते थे, महाप्रभु सबको बुलाते थे, आओ कृष्ण का नाम लो, यही सार है, सर्व वेदों का यही सार है, नान्यत परत रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, आप नाम लो भगवान के। मैं भी आपको कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना, ये सब छोड़ दो, भगवान के नाम लो, नाम में वो शक्ति टुप करके सारा रिवील हो जाएगा, लेकिन ये समझता नहीं है सबको, तो इसलिए इतना लेक्चर देना पड़ता है। तो जो हम जाएंगे जब परसों सेशन में बताएंगे, तो वो नाम को भी साधना करते हैं। इसलिए कई लोग बोलते प्रभु जी मैं उस वाले संस्था में गया, उधर वो लोग भी हरे कृष्णा कर रहे थे, लेकिन वो हरे कृष्णा कर रहे हैं तो उसको केवल
ज्ञान बढ़ाने के लिए वो साधना कर रहे हैं, वो नाम को अपना अंत नहीं समझते हैं, नाम को माध्यम समझते हैं। और भक्त जो है वो जानते हैं कि नाम लेने की, ताकि मैं कृष्ण का नाम इतना लूं और इतना सुनूं कि मेरे तृप्त होते जाऊं, तृप्त होते जाऊं। ये फर्क है। ज्ञानी क्या बोलेगा, हाँ अब मेरा जो है कॉन्सेंट्रेशन एक मंत्र बोलने से बढ़ गया है, अब मैं ध्यान लगा सकता हूं, अब मैं पढ़ने में मेरे को मदद होगा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्ञानी लोगों का वो साधना में होता है। तो ये फर्क है, ये भी समझना आपको उतना ही जरूरी है। ठीक है, हमने ये देख लिया। उसके बाद जैसे कल मैंने आपको बताया इनका कारण क्या होता है, जैसे कल मैं आपको चार कारण बताता था ना, क्या बताता था, भय, फियर, ड्यूटी, डिजायर एंड लव। तो इनका ड्यूटी पे रहता है, कर्तव्य पॉइंट ऑफ व्यू से ये करते हैं, कर्तव्य प्लस इनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है जो लव है या प्रेम है। वो प्रेम पूरा तो नहीं होता, लेकिन आप कह सकते हैं ज्ञान मिश्र प्रेम होता है, मतलब एक ज्ञान मिश्र स्थिति इनको थोड़ी सी अनुभव होती है, ज्ञान मिश्र भाग जो है थोड़ा सा इनमें होता है। क्योंकि यहां पढ़ेंगे तो थोड़ा भगवान के बारे में तो जानेंगे, उनके ईश्वर तत्व शक्ति के बारे में तो जान ही जाएंगे, तो वो भाग भी रहता है, पर कर्तव्य रूप से ये ज्यादा करते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बताया, तो मैं पूछने वाला हूं, एक बार आप बस लिख लीजिए। तो अब मैं इसको पूछ देता हूं, और इनका जो वर्शिप, ये दिस तो ये दिख रहा है, वर्शिप यानी इनका जो आराधना है, आराध्य, इनका आराधना जो है या आराध्य है वो यहां भी ब्रह्म है, निराकार, ये ज्यादा ही निराकार ही रहते हैं। इनका मानना है कि भगवान निराकार से साकार होते हैं, ये इनका जो अध्ययन में इतना ही आता है। क्योंकि जितने भी आप उपनिषद पढ़ेंगे ना, तो उपनिषद को जितना पढ़ेंगे आपको ऐसे ही लगने लगेगा कि भगवान निराकार हैं और यहां आके साकार होते हैं, वैसे नहीं है। भगवान साकार हैं, उनके ब्रह्म ज्योति जो तेज है वो निराकार है, लेकिन जब वो आते हैं तो अवतार लेके स्वयं अपने रूप में आते हैं। अवतरति इति अवतार, जैसे बल्ब है उसका लाइट है, उसे लाइट से आप और एक बल्ब बना सकते हो देख के, उसे ज्योति से, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं ज्योति है इसलिए लाइट बना, नहीं तो पीछे भी उसके लाइट है ना। ये बहुत समझना, ये तत्व में तो हम अभी नहीं जाएंगे, साकार निराकार मैंने ऑलरेडी समझा दिया। आप में से जिनको भी मेरे लेक्चर सुनने, तो यूट्यूब में दास गदाधर दास नाम का मेरा चैनल है, उसमें सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, अलग अलग टॉपिक्स, आत्मा, साकार निराकार, भगवान, ईश्वर, सारे सब सब्जेक्ट्स पे बोल दिया है, तो आप जाके सुन सकते हैं। तो वो, लेकिन यहां जो होते हैं वो निराकारवादी ज्यादा होते हैं। इनका रहता है कि ज्ञान लो और हमें उस ब्रह्म में लीन होना है। तो एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि आत्मा जो है वो भी स्पार्क है, तो वो एक्चुअली उन स्पार्क के एक इन्फ्लुएंस में वो भी अंदर में अपने आप को रख लेते हैं। और भागवतम में वर्णन आता है, व्यासदेव जी लिखते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे समझता है कि अरे यहां बोर हो रहा है, क्योंकि आत्मा वहां तुष्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि आत्मा का नेचर है वैरायटी, वहां वो आर्टिफिशियली अपने आप को ठोप के रखा है, तो नीचे आ जाता है और सेवा में लग जाता है, क्योंकि जीव का स्वभाव है सेवा। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो कौन सी सेवा में लग जाते हैं, भौतिक सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ का नहीं मालूम है। तो यहाँ का नहीं मालूम होने के लिए भक्तों का जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा भक्ति का, असली भक्ति का, शुद्ध भक्ति का, तब तक वो पीछे ही जाएगा। तो इसलिए शुद्ध भक्तों को भगवान भेजते रहते हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य को भेजा, श्रीपाद मध्वाचार्य को भेजा, शंकराचार्य ने भी उसी मार्ग को आगे कैसे तैसे ढकल के रखा। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी हैं, निम्बारका स्वामी, इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, इनको इसलिए भेजा ताकि भक्ति की महात्म्य को हम समझ सकें। ठीक है, मैं इसको पूछ देता हूं। डायग्राम बनाने के बाद पूछने में बहुत दिल दुखता है बहुत मेहनत से डायग्राम बनाते हैं। तो अब जो है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानसिक स्थिति क्या होती है, मन की स्थिति, कि उस जीव की मन की स्थिति क्या होती है जो ज्ञान में पूरा लगा हुआ है, उसकी स्थिति क्या होती है। तो यहां कहा गया है कि वो उसके मन में इंद्रियों को दमन, इंद्रिय दमन में ज्यादा लगे होते हैं। इंद्रियों को आप जितना दबाएंगे दबाएंगे यानी उनको उनका खुराक नहीं देंगे, जो इंद्रिय तृप्ति के जो खुराक है वो नहीं देंगे,
तो वो धीरे 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 जो इंद्रिय है वो शांत हो जाएंगे। हाँ, जैसे आपने बहुत एग्जाम से पहले बहुत पढ़ाई की है तो आपको पेपर में न जाते एकदम ऐसा मुस्कुराते रहते हैं और आपको ज्यादा खाना पीना करने का मन नहीं करता, आप कंपोज्ड में रहते हैं। तो ये ज्ञान योगियों का सबसे बड़ा है कि उनको कंपोज्ड माइंड रखना पड़ता है और इसलिए उनको इंद्रिय की तरफ जो भी आकर्षण है वो धीरे धीरे छोड़ के इंद्रियों को दमन करते हुए उसमें उनको रखना पड़ता है। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ऐसा कछुए जैसा रहते हैं, वो भक्तों का भी है और ज्ञान योगी योगी जो भी योगी है उसको ये इंद्रिय दमन करने ही पड़ेंगे। हाँ, मैंने आपको बकरी वाला एक उदाहरण दिया था, आप लोग मेरे पहले लेक्चर में जानते हैं कि इंद्रियों को कैसे हमको रोक के रखना चाहिए। वो बकरी जो घास खाने जाता है, मैंने एक कहानी आपको बताया था वैसा वाला है। बुद्धि, बुद्धि की स्थिति क्या है? तो मैं चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल बता रहा था ना कि बुद्धि में वो आधे में रह गया, मेरे को अभी याद है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो कीर्तन कर रहे थे, तो प्रकाशानंद सरस्वती इतने बड़े ज्ञानी थे लेकिन उनको भक्ति का जो टेस्ट में बता रहा था ना, हायर टेस्ट कैसे मिला, तो चैतन्य महाप्रभु आके जब उनको आमंत्रित किया गया तो नीचे बैठ गए, जहां लोग पांव धोते हैं वहीं बैठ गए। तो उनका ये नम्र भाव देख के ही वो जो ज्ञानी है वो एकदम आकर्षित हो गए कि बोला रे ये नम्र भाव, क्योंकि ज्ञान होने पर है ना घमंड होने का चांस है, ये सोचने का चांस है कि मैं विद्वान हूं, मैं सब समझता हूं और ये सब बाकी जो है मुझसे तुच्छ है। लेकिन जो भक्त होता है वो जानता है कि अरे मैं क्या हूं, जो भी हूं भगवान की कृपा से हूं, भगवान चाहे तो आज मेरी बुद्धि हर ले, और ये सामने वाला भी आज भले ही दिखने में बुद्धिमान नहीं है लेकिन भगवान चाहे तो उसको कल बुद्धि दे के मुझसे ही बुद्धिमान बना सकते हैं। तो भक्त जो होता है ना वो ईश्वर के शक्ति पे ज्यादा भरोसा करता है ना कि अपने। तो ज्ञानी जो होता है वो इसलिए घमंड भी रहता है कि उसको लगता है कि मैं बुद्धिमान हूं। तो ये वैष्णव का भाव समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो यहां बुद्धि का जो हाल है वो ये है कि वो और ज्ञान, वो दिल मांगे मोर वाला चीज है ना वैसे, ज्ञान का भूखा ऐसा बोल सकते हैं, वो ज्ञान का भूखा है, और चाहिए और चाहिए, उसका तलब जो है वो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, भूख बढ़ते जाता है और चाहिए। क्योंकि जितना आप शास्त्रों को पढ़ेंगे उतना आपको और क्वेश्चन आएंगे, अच्छा ये ऐसे हुआ तो वहां कैसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ वो ऐसा करना चाहिए ये नहीं करना, जितना उसको हम भी अभी हम लोगों ने शास्त्रों को लाया है ना, वो पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि सच में कुछ नहीं आता है, क्योंकि इतने शास्त्रों में एक महाभारत है उसके सिर्फ 700 श्लोक हमको मालूम है उसी में हम लोग इतना समझते कि हमको सब मालूम है, वो भागवत एक ही पुराण हम जानते हैं, अन्य पुराण इतने लिखा हुआ है। और जब मैं अभी कॉस्मोलॉजी पढ़ रहा था इतने शास्त्रों का रेफरेंस है, पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैं बोल रहा हूँ वो भी कमी है, लेकिन समाज में लोगों को मालूम नहीं तो उतना भी बहुत हो गया समाज के लिए। तो वैसा वाला चीज है। तो ज्ञान का आदमी भूखा, भूख बढ़ते जाता है बुद्धि का। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार है कि बुद्धि इंद्रिय तृप्ति से बड़ा है। ये भगवान गीता के तीसरे अध्याय में बोलते हैं, लास्ट वाले पार्ट में वो कहते हैं कि जड़ पदार्थ से इंद्रिय बड़े हैं, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से बड़ा आत्मा है। लेकिन ये ज्ञानी लोग बुद्धि तक उनका साक्षात्कार हो जाता है कि बुद्धि जो है बौद्धिक स्तर जो है वो इंद्रिय इच्छाओं से आगे है, ये उनका साक्षात्कार है। तो अभी भी आप ध्यान से देखिएगा, पांचवा अध्याय का जो टाइटल है वो फिर भी कर्मयोग सेक्शन के अंदर ही आता है। तो बड़े कर्मयोग का अगर सेक्शन देंगे तो ज्ञान भी जो है फिर भी कर्म के अंदर ही आता है, क्योंकि यहां अभी भी वो इंद्रियों से ही लड़ रहा है। लड़ाई अलग है, कर्म या जो हमने देखा कर्मकांड सकाम निष्काम उधर भी लड़ाई था लेकिन डायरेक्ट इंद्रिय तो इंद्रिय था, यहां बुद्धि से इंद्रिय को नियंत्रण किया जा रहा है लेकिन दुश्मन अभी भी इंद्रिय हैं। भक्ति योग में यह नहीं होने वाला है, इसका आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, परसों देखेंगे। ये पार्ट भी कर्मयोग में ही है, क्योंकि भक्त जान जाता है कि बुद्धि से बड़ा आत्मा है और आत्मा से बड़े भगवान है, यह अंडरस्टैंडिंग है। और इसके जो प्रैक्टिशनर्स हैं जो इसको प्रैक्टिस करते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। हाँ, जनरली ये क्षत्रिय इसमें नहीं उतर सकते,
ठीक है ना, क्योंकि ब्राह्मण बहुत विद्वान होते हैं और इनको भगवान ने बुद्धि दिया होता है, एनालिसिस करने का शक्ति दिया होता है, तो ये जाति नहीं है। जिनको बुद्धि है वो ब्राह्मण है, जो जन्म से ब्राह्मण है वो हो सकता है, वो तो 90% चांस है उनके पास, लेकिन जो ऐसे भी शास्त्रों को पढ़ के विद्वानगण होते हैं उनको भी ब्राह्मण माना जाता है। और उसका उदाहरण है, आपको उदाहरण अगर समझना है तो आप जितने भी आपको जैसे हमारे विवेकानंद जी हैं, आज के जमाने का मैं कह रहा हूँ, उदाहरण देना है थे, ठीक है, ये ब्रह्म की उपासना, अव्यक्त की उपासना करने वाले थे, लेकिन जब वो लोग वैकुंठ के द्वार तक पहुंचे तो भगवान के चरण के तुलसी का सुगंध लेके उन्हें एकदम उनको समझ में आया कि अरे ये फाइनल चीज है, तब वो भक्त बन गए, भक्ति मार्ग में आए, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी पहले अव्यक्तवादी थे, लेकिन जब वो भगवान के संपर्क में आ गए तब वो व्यक्त हो गए, तो ये वाला फर्क है। तो उदाहरण में चतुष्कुमार को आप ले सकते हैं, और या फिर आप इसमें एक्चुअल प्रैक्टिशनर विवेकानंद को भी ले सकते हैं, कैसे विवेकानंद जी ने ज्ञान के माध्यम से सब कुछ समझाया, भक्ति को भी ज्ञान से समझाया, तो ये फर्क है। भक्त जो है वो भक्ति में भगवान को समझाता है, ज्ञान से समझाने की जरूरत नहीं है, वो भाव से समझाता है, तो वहां भाव ऐड होने वाला है, वहां इमोशंस आने वाले हैं जो आत्मा से निकलने वाले इमोशंस हैं, मन के नहीं। मन के इमोशंस दुनियादारी के काम आते हैं, आत्मा का इमोशन जो होता है चेतना में वो अलग होता है, वो भाव होता है। एनीवेज वो मैं आपको परसों समझाऊंगा। तो ये साक्षात्कार है, ये प्रैक्टिशनर्स हैं, उदाहरण दिया, और आपको ये ज्यादा करके भगवद गीता में अध्याय 4 और 5 में आपको ये मार्ग का विवरण मिलेगा, जहां भगवान अर्जुन को बौद्धिक स्तर पे भी उठा रहे हैं, ज्ञान योग के माध्यम से भी युद्ध करवाने का कोशिश करवा रहे हैं, आपको मिलेगा। अभी मैं सारे वर्सेस कोट करूंगा तो आपको टाइम जाएगा, जैसे मैं 5.29 आपके लिए कोट करके दे दिया था। और यहां पे अपूर्णता क्या है, कि ऐसा क्या अपूर्ण है जिसके वजह से वो ज्ञानी भी तड़पता है। वो अपूर्णता है कि इंद्रिय जो है वो भ्रमित होते हैं, भ्रमित से मैं अस्थिर लिख देता हूं, मतलब अलग अलग इच्छाओं से इंद्र वश में रहते ही नहीं, और उसका सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है जो ही इंद्रिय अस्थिर हुए तो उसका ज्ञान भी जो है वो डगमग। जैसे कभी कभी देखिए आप बीमार हैं, अगर आप बीमार हो गए तो क्या होता है, आप बीमार हो गए तो अस्वस्थ हो गए तो आपका जितना भी ज्ञान मैंने हो गया बोला छोड़ो मेरे को पहले ठीक करो, तो ये इंद्रिय जो ही शिथिल होने, ये इसका स्वभाव है ना, इंद्रिय को भागते रहेगा, ये कंट्रोल में आता नहीं। इंद्रिय को भी टोटल कंट्रोल में करने वाला एक योग है, लेकिन वह ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान योग में आपको इसको खींच के रखना पड़ता है। ये तो ऐसा ऐसा हो गया कि आपने शादी कर लिया, ज्ञान योग का हालत ऐसा है कि आपने शादी कर लिया, दो दो बच्चे हो गए, बदमाश बच्चे हो गए, उनको ऐसे पकड़ के रखा है, अब फिर आपको वैराग्य भी बीच में आ गया तो आपने लाल कपड़ा भी पहन लिया साधु का, तो आप अपने आपको वैराग्य भी समझ रहे हो और बच्चों को भी पकड़ के रखा है। ये ऐसा हालत है, ये कहीं लिखा नहीं है, मेरा एक दार्शनिक चीज है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये ज्ञान योगी का हालत ऐसा है कि वो भक्त का चोला पहन भी रहा है लेकिन भक्ति है नहीं, इंद्रिय जो है वो वश में है नहीं, इंद्रिय जो जा रहे हैं तो उसमें वो परेशान है, तो वो देखता है कि अरे मैं इतना ज्ञानी हूं। जैसे मैंने प्रकाश आनंद सरस्वती का आपको उदाहरण दिया, उन्होंने देखा कि चैतन्य तो नाच के, इंद्रिय भी इसके संयम में है, ये आंतरिक रूप से भी खुश है और आत्मिक आनंद इसमें दिखाई दे रहा है, ये कैसे। कई बार जो आप कभी भी चले जाइए, कभी श्री संप्रदाय चले जाइए, कभी उडुपी मठ चले जाइए, कभी आप वृंदावन चले जाइए, कभी आप अयोध्या चले जाइए, वहां के जितने भी ब्राह्मण लोग होते हैं ना, इनको देख के आपको तेज लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ ये तेजस्वी हैं, ये तृप्त हैं। तो ये तेजस्वी पार्ट कहां से आता है, वो यहां से नहीं आता है, ज्ञान से नहीं आता है, वो भक्ति से आता है। वो भक्ति से आत्मा तृप्त होता है तो अपने आप सारे इंद्रिय मन ये सारे अपने आप सिंक में चले जाते हैं और सब स्थिर हो जाते हैं, तो आपको मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है भक्ति में, लेकिन यहां करना पड़ता है। तो इसलिए ये अपूर्णता की जो भावना है वो ज्ञान योगी को आती है, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि भक्त अच्छे हैं। हमारे एक स्वामी जी हैं चिन्मय मिशन के, वो चिन्मय मिशन के जो स्वामी हैं तो उनसे हमारा बहुत अच्छा परिचय है, तो कभी वो हमें बुलाते हैं प्रोग्राम के लिए, कभी हम उनको यहाँ बुलाते हैं, तो हमने उनको जन्माष्टमी के लिए इन्वाइट किया था।
तो जन्माष्टमी में बहुत बड़ा क्राउड रहता है, हमारे यहाँ 1.5 लाख लोग आते हैं। तो वो उन्होंने क्लास दिया, क्लास देते थे, उन्होंने बोला कि भगवान अव्यक्त से व्यक्त हुए, तो सब मेरी तरफ देख रहे थे कि प्रभु जी ये तो कुछ और पढ़ा रहे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, क्योंकि लेकिन वो खुद बाद में बोले मुझे देख के, ये मेरा मत है लेकिन मैं जानता हूं स्वामी जी जानते हैं कि भगवान व्यक्ति है और इसलिए आप सब खुश हो, ऐसा उन्होंने खुद बोला। तो वो बोल रहे मुझे एक बार बोल रहे थे कि एक्चुअली मैं जगन्नाथ जी का डिवोटी हूँ, वो ओडिया थे, बोले मैं जगन्नाथ जी का भक्त हूँ पर मैं इस मार्ग में जुड़ गया इसलिए मैं इस मार्ग को लेके चलता हूँ। तो ये एक भाव एक विद्वान के मन में हमेशा रहता है कि भक्ति हाइएस्ट है, लेकिन वो खुल के आ नहीं पाता, सामाजिक कारण, बौद्धिक कारण, बहुत सारे कारण। तो ये अपूर्णता का अनुभव ज्ञानी योगी करते हैं। और इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे ज्ञान योग भी जो है ये बहुत अच्छा माध्यम है। अगर यहां से भी कोई चाहे, जैसे यहां चतुष्कुमार थे, वो ज्ञान ही थे लेकिन अचानक से वो सीधा भगवान के संपर्क में आ गए और वो बहुत अच्छे भक्त बन गए और वो सदैव, वो लोग बोले कि हमको बड़ा होना ही नहीं है, बड़े हो जाएंगे तो ये विकार आएंगे, इच्छाएं आएंगी, नहीं चाहिए, अब हमको बच्चे ही रखे, हम बच्चे घूमते घूमते सब ज्ञान बांट देंगे। कई लोग उम्र में छोटे होते हैं, उनका उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, रियलाइजेशन है, साक्षात्कार बहुत हाई होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो 50-55 के भी हो जाते हैं, देश के अपोजिंग लीडर भी हो जाते हैं लेकिन उनको फिर भी अकल नहीं रहता है। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे, है ना, और ज्ञान योग समझ तो लिए, थोड़ा सा भक्ति का भी टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।